सो गाइस सीनियर से जाके अगर आप बात करोगे कि इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा कौन सा सब्जेक्ट है जो आपको ज्यादा परेशान कर रहा था, तो आपको ज्यादातर लोग यही बोलेंगे मैथ और मैकेनिक्स, और मैकेनिक्स का नाम तो बहुत भर भर के लेंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि अब इस टाइम जो बहुत कम टाइम बचा हुआ है इसके अंदर आपको क्या करना चाहिए। तो मैकेनिक्स के बारे में अगर बोलूँ तो मैकेनिक्स सेमेस्टर वन में कहेंगे किसी यूनिवर्सिटी के अंदर होता है, किसी किसी यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर टू में होता है। तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ये बता दो कि आपके यूनिवर्सिटी के अंदर जो मैकेनिक्स है वो सेमेस्टर वन में है कि सेमेस्टर टू में है। और इसके बाद एक चीज़ और ज़रूर मुझे कॉमेंट करके बताओ। देखो गाइस, आप में से बहुत सारे बच्चे, मतलब लगभग सभी बच्चे जो ट्वेल्थ के बाद उन्होंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया हुआ, ज़्यादातर बच्चों आप सभी बोर्ड एग्जाम दे के आ रहे हो, तो आपको यहाँ जो पेपर लिखने का तरीका है, पेपर प्रेजेंट करने का जो तरीका है, पेपर का प्रेजेंटेशन जो होना चाहिए, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है। आपको लगता होगा कि नहीं मेरे को आता है, बट गाइज जब पेपर लिखोगे, जब रिजल्ट आएगा ना, तो आपको लगेगा यार मैंने पेपर तो लिखा था, फिर मुझे क्यों मार्क्स मिले, नहीं मिले। और इसका बहुत हद तक रीज़न होता है पेपर प्रेजेंटेशन। और ये पेपर प्रेजेंटेशन से रिलेटेड अगर वीडियो चाहिए तो कॉमेंट करो, अगर कॉमेंट भर भर के रहा तो शाम को 9:30 बजे मैं एंड राहुल सर लाइव आएंगे, और लाइव में आप सभी को बताएंगे कि पेपर प्रेजेंटेशन किस हिसाब से रखना चाहिए, किस हिसाब से किस लास्ट में किस तरह की तैयारी करनी चाहिए आपके यूनिवर्सिटी के अंदर, जब 4 दिन पहले आपको क्या क्या कर लेना चाहिए, ये सभी चीज़ें मैं और राहुल सर रात को 9:30 बजे बताएंगे। बट इसके लिए आपका रिस्पॉन्स नेक्स्ट लेवल का दिखना चाहिए, तो कॉमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन कर दिया गया है। तो अब बात करते हैं सर, अब हमारा तो कुछ हुआ नहीं है सर, क्योंकि सिंपल सी बात है मैथ और मैकेनिक्स का स्टार्टिंग से स्टडी करना चाहिए था, पर सर जब मैंने पहले दिन बुक उठाया ना तो मेरे को समझा नहीं, फिर मैंने सोचा दूसरे दिन उठाया तो पहले दिन नहीं समझा था, इसलिए मेरा कॉन्फिडेंट गिर गया था, दूसरे दिन जो समझने वाला था वो भी नहीं समझा, और ऐसे करते करते सर एग्ज़ाम नज़दीक आ गया। अब तो ऐसा हो गया कि सर करूँ क्या ना करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो देखो गाइस बिल्कुल सही बात है कि मैकेनिक्स और मैथ इसको डेली प्रैक्टिस करने वाला सब्जेक्ट है, या जो BEE है या पुणे वाला BXC, ये सभी सब्जेक्ट जो होते हैं ये डेली प्रैक्टिस करने वाले सब्जेक्ट होते हैं। अगर इसको आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे ये हमें धीरे धीरे करके समझ में आना स्टार्ट होता है। बट हम में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले स्टार्ट करते, पहले 2 दिन करते तो उनको समझ में नहीं आता तो चीज़ें छोड़ देते हैं। बट अगर उसको ही कंटिन्यू करते जाते कि नहीं नहीं ये टॉपिक मैं समझूंगा, और जैसे थोड़ा थोड़ा समझ में आना स्टार्ट होता तो आगे की चीज़ें भी होती जाती, बट बहुत सारे बच्चे इसको स्किप कर देते, ये बहुत बड़ा मिस्टेक होता है। अब चलो जो हो गया सो हो गया, बट सेमेस्टर एग्ज़ाम नज़दीक है और इस एग्ज़ाम में हमें कुछ ना कुछ तो अच्छा करना है जिससे हमारे मार्क्स और हम एटलीस्ट पास हो जाए। सबसे पहला हमारा टारगेट तो यही होगा, पास हो जाए, सब्जेक्ट क्लियर हो जाए, और दूसरा टारगेट इसके बाद होगा स्कोर अच्छा आना। तो देखो गाइज अगर मैथ और मैकेनिक्स में आपको स्कोर करना है तो आपको गाइज आपको इन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। CFA क्या होता है, पहले ओवरऑल बता देता हूँ कि आपका पिछले 2 साल, ज़्यादा नहीं, 2 साल के पेपर को प्रॉपर तरीके से एनालाइज करने आना चाहिए। अगर प्रॉपर तरीके से आप एनालाइज कर पाते हो तो भाई आपको हमारे चैनल पे ऑलरेडी दोनों मैकेनिक्स का, पुणे का और मुंबई का, दोनों का हमने पूरा कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट कर दिया, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप फटाफट पढ़ सकते हो। बस पढ़ने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, पेपर को एनालाइज करना पड़ेगा। बट अगर पेपर को एनालाइज नहीं कर पा रहे हो तो हमारा मैथमेटिक्स 1 का आपके अपने राहुल सर, जिसका मुंबई वालों का कल से स्टार्ट हो रहा है और पुणे वालों का आई थिंक 11 या 12 से स्टार्ट हो रहा है, जो टाइम टेबल ऑलरेडी हमने आप तक पहुंचा दिया है, तो अब तब से स्टार्ट हो रहा है और कम्युनिटी में भी हम डाल देंगे, तो कल से मुंबई वालों का भी स्टार्ट हो रहा है। तो फटाफट कोर्स को परचेस कर लो और बाकी सब चीज़ें हम पे छोड़ दो, बस आपको एक्स्ट्रा हार्डवर्क करना पड़ेगा जो चीज़ें, और पूरा का पूरा A to Z सिलेबस इस कोर्स के अंदर करवाया जाएगा और इसकी फुल तैयारी हमारी हो चुकी है, हमें क्या करवाना है, क्या करना है, क्या करवाना है। तो आपका मैथ का तो बिल्कुल यहाँ टेंशन खत्म हो जाएगा, पेपर कैसे लिखना है, क्या स्किप करना है, क्या नहीं करना है, पेपर को प्रेजेंट कैसे करना है, उसमें कौन से क्वेश्चंस कर, वो भी बताया जाएगा सिलेबस कंप्लीट करने के साथ, वो भी आपको बताया जाएगा। इसलिए कोर्स परचेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको चाहिए भाई, नहीं तो YouTube पे पूरा मैंने कर दिया है, नहीं तो ये सेमेस्टर 2 में जब रिजल्ट आएगा तो आप रोओगे धोओगे कि मेरा सब्जेक्ट नहीं निकला, नहीं लिखना। इसलिए लास्ट टाइम है, एक लास्ट चांस मार लो, हो सकता है कुछ अच्छा हो जाए। और आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स लाया गया है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, और वो जो हमारा ऐप है उसके ऊपर मुंबई यूनिवर्सिटी एंड पुणे यूनिवर्सिटी दोनों के कोर्सेज अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। और आप में इसको अगर ऐसा भी बच्चा हो कि जिसके सिलेबस मुंबई और पुणे जैसे सेम है तो वो भी कोर्सेज परचेस कर सकता है, बट हम बेसिकली मुंबई एंड पुणे वाइज ही जाएंगे, उनके सिलेबस वाइज जाएंगे। बट लगभग अगर इन दोनों को कंप्लीट करोगे तो लगभग सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ मैंने CFA क्या लिखा हुआ है, सबसे पहली बात तो सी मतलब कॉन्सेप्ट और पी मतलब
ये हमारा मैकेनिक्स के लिए और मैथ के लिए, सी मतलब फॉर्मूले, सभी के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। कॉन्सेप्ट याद होने के बाद, कॉन्सेप्ट आप समझ गए, पर कॉन्सेप्ट समझने के बाद आपके पास फॉर्मूले भी होने चाहिए, फॉर्मूला याद भी होना चाहिए, और ये सभी तरीका राहुल सर आपको करवाएंगे। सी एफ ए और ए होने के बाद आपका कॉन्सेप्ट हो गया, फॉर्मूले हो गए, देन ए एनालाइज करना है। एनालाइज क्या करना है? पिछले दो साल का पेपर, पिछले दो साल का पेपर। मैं तो बोलूंगा सबसे पहले एनालाइज करो। क्यों एनालाइज करो? जिन बच्चों को कुछ नहीं हुआ है वो एनालाइज करो कि कैसे क्वेश्चन पिछले दो साल में आए हुए। वो एनालाइज करने के बाद गाइस आपको क्या करना है, उन टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है और उन्हीं टॉपिक के फॉर्मूले पे फोकस करना है। तो इससे आपको जो बहुत ज्यादा पढ़ना है ना, वो बहुत हद तक बहुत कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। अरे भाई हर टॉपिक के अंदर चार चार तीन तीन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली ना, आपका लाइफ जिंगा लगेगा और बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे, और हो सकता है कहीं टॉप कर दोगे अगर मेहनत कर दोगे तो बस यही। तो पहले एनालाइज, देन इसके बाद कॉन्सेप्ट, उन्हीं जो क्वेश्चन आपने एनालाइज किया, क्वेश्चन आता है उनको, फिर उनका कॉन्सेप्ट और उन कॉन्सेप्ट के अंदर जो जो है उनके फॉर्मूले का लिस्ट और फॉर्मूला ही लर्न करना है। अगर ये चीज़ें आपने कर ली मैकेनिक्स के अंदर और इसके अंदर, तो भाई आपकी बहुत हद तक बहुत सारी चीज़ें हो जाएगी। तो आपको अभी से दिन रात एक करके मेहनत करके ये दोनों सब्जेक्ट स्टार्ट कर देना है। अगर आप अपने से कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो कोर्सेज में इनरोल कर लो, मैथ का कोर्स अपने इधर स्टार्ट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।